हमने देखा कि अशोक ने जब अपनी गुल्लक फोड़ी उसमें कितने रुपए निकले, 248 रुपीस, जिसमें से उसने 67 रुपीस का एक खिलौना खरीदा है ना। और हमें बताना है कि उसके पास अब कितने पैसे बच गए। तो आप लोगों ने तो ये कर दिया सब्ट्रैक्ट, लेकिन अब हम इस मजेदार तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखें ये तरीका। अब तो अशोक ने जब गुल्लक फोड़ी थी उसके पास से 248 रुपीस है ना, तो इसमें हंड्रेड्स कितने हैं सोचो। हाँ, इसमें है 200s है ना, 2। अब इसमें हमारे पास 10s कितने हैं, 4 10s। कितने 10s हैं? 4, 1 2 3 and 4। अब हमारे पास 1s कितने हैं सोचिए। हमारे पास है 8 1s, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 है ना। अब हमें इसमें से कितना माइनस करना है, माइनस कितना करना है हमें, 67 रुपीज हमें माइनस करने हैं, राइट। अब अगर हमने 248 को टोकन्स के थ्रू रिप्रेजेंट तो कर दिया, अब हमें 248 रुपीज में से 67 रुपीज माइनस करते हैं। तो शुरू करते हैं, 8 वंस में से कितने वंस माइनस करने हैं, 7। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास बचा 1 1s। अब हमारे को करना है 4 10s में से 6 10s माइनस, लेकिन क्या हम 4 में से 6 को माइनस कर सकते हैं सोचिए। और अगर नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं जाने। 100 में कितने 10s होते हैं, 10 10s, ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने। तो अगर हम 100 को, इस वाले 100 को 10 10s में ब्रेक कर दें, तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब ये हमारा 100 जो है 10 10s में ब्रेक हो गया है, तो ये ऑटोमेटिकली यहां से हट गया क्योंकि ये 10 10s में आ गया। अब हमारे पास हो गए कितने, 4 plus 10 14 10s, और इसमें से माइनस कितने करने हैं, 6 10s। तो 1 2 3 4 5 6, कितने बचे हमारे पास, ये देखो, ये तो जितने हैं ये हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास बचे 8 10s। और 100 कितना है हमारे पास, 1, क्योंकि एक हमारा 10 10s में ब्रेक हो गया, और 67 में तो 100 है ही नहीं क्योंकि ये है 1s और 10s, तो 100। तो सब्ट्रैक्शन कितना आया, 1। अब तो अशोक के पास बचे 181 रुपीज। क्या समझ आया आपको।